हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो आप लोग देने वाले हैं उसी में दोस्तों आज जो रीजनिंग का एक टॉपिक है चित्रों की गणना करना काउंटिंग ऑफ फिगर ये टॉपिक जो है यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से और सारे जो है दोस्तों ट्रिक बेस होगा ट्रिक आपको बताई जाएगी किस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं इन फिगर्स को ट्राइंगल ये देखते हैं पहले इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें जो है काउंटिंग ऑफ फिगर में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक तो वर्गों से बनता है वर्गों की संख्या निकालना और कितने आयतों की संख्या निकालना और त्रिभुजों की संख्या निकालना इस प्रकार से तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं तो चलिए डिटेल से समझते हैं एक एक करके तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं त्रिभुज से ठीक है ट्राइंगल की संख्या निकालने के लिए और सबसे ज़्यादा ट्रिक भी इसी की है उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्गों से बनते हैं और सबसे कम जो क्वेश्चन बनते हैं वो आयत से बनते हैं तो चलिए सभी को समझ लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग से तो वर्ग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं दोस्तों वर्ग होता क्या है जिसकी चारों साइड ठीक है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो आपस में चारों भुजाएं बराबर हो और जो यहाँ जो जिस सारे जो है नाइन्टी डिग्री के एंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं क्लियर है दोस्तों क्या बोला जिसकी चारों भुजाएं जैसे ये ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों साइड जिसकी क्या हो बराबर हो उसको हम वर्ग कहेंगे और 90 डिग्री का भी हो ठीक है तो ये वर्ग होता है जान लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो ये रहा इस तरीके से आपके पास दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें कितने स्क्वायर है यानी कि इसमें कितने वर्ग है वर्गों की संख्या निकालिए तो अब आपको इसको कैसे करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से सीधे ट्रिक से बात करते हैं तो देखिए आपको क्या करना है इसमें इस तरीके से आपने वर्टिकली इसमें नंबर डाल देने हैं और इस तरीके से फिर हॉरिजॉन्टल भी आपने यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर ऐसे आपने इसमें नंबर डाल देने हैं ठीक है उसके बाद जो आपका लास्ट है ऐसे में और इस, ऐसे में आपका जो लास्ट है तो उसको क्या करना है आपने फोर और इसका फोर है तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा आपको बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये आपने इस इस तरीके से आपने इसमें नंबर डाल दिए वन टू थ्री फोर किस तरीके से उर्द्वाधर और छैतीस में भी आपने नंबर डाल दी तो जो लास्ट का होगा इसका लास्ट और इसका लास्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया सोलह फिर इसका लास्ट और इसका लास्ट क्या है थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन हो गया फिर इसका है टू इंटू टू हो जाएगा टू इंटू टू कितना हो गया फोर हो गया फिर बचता वन तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा वन ही होगा इन सब को अगर हम काउंट करते हैं तो सोलह चार बीस नौ और एक दस तो कितना हो गया थर्टी तीस हो रहे हैं टोटल समझ रहे हो तो थर्टी हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्लियर है दोस्तों तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक से कर सकते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बनता है अगर इस तरीके का आ गया तब आप इसको कैसे काउंट करेंगे तो इसको भी आपने सेम करना है पहले आप ऐसे में नंबर डाल देते हैं और इसको इस तरीके से ठीक है ऐसे आपने इसमें नंबर डाल दिए तो अब आपने क्या करना है इसका जो लास्ट और इसका लास्ट कितना है थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स एटीन हो जाएगा अट्ठारह तीन से अठारह उसके बाद इसका लास्ट और इसका लास्ट तो क्या है टू इंटू फाइव हो जाएगा कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा उसके बाद क्या है इसका लास्ट और ये कितना वन है तो वन इंटू फोर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि अब इसके ऊपर तो ज़ीरो होगा ना यहाँ से टू की इंटू जीरो से तो जीरो तो जो छूट रहे हैं उनको छूट उनको रहने दो ठीक है तो इतनों को आप काउंट कर लें कितना हो गया अट्ठारह और दस अट्ठाईस और चार कितने होते हैं बत्तीस तो थर्टी टू आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं बत्तीस स्क्वायर हैं क्लियर है, है. है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है स्क्वायर से रिलेटेड ठीक है तो चलिए किस तरीके से आप इसको काउंट करेंगे सेम करेंगे देखिए आप इसको पहले बाहर वाले को देखेंगे टू थ्री फोर ठीक है और ऐसे करके वन टू थ्री और फोर ऐसे आपने यहाँ आप पे डाल दिया क्या करना है लास्ट और लास्ट को फोर इंटू फोर कितना हो गया सोलह फिर थ्री इंटू थ्री कर लेंगे थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन टू इंटू टू टू इंटू टू कितना हो गया फोर हो गया और ये वन वन इंटू वन कितना हो गया वन तो टोटल कितने होंगे थर्टी होंगे सोलह और चार बीस नौ थर्टी हो गए चलिए ये तो ठीक है उसके बाद जो है आपने क्या करना अब जो अंदर वालों की बात करें मान लो इस वाले पे चलते एक तो इसके अंदर ये हो गया दो तीन और चार ठीक है और ये के पूरा बाहर का पांच तो यानी आपको क्या पता है एक जगह से इतना पांच बन रहे हैं तो इधर भी पांच बनेंगे इधर भी, भी पांच बनेंगे और इधर भी पांच बनेंगे तो कितना हो गया बीस हो गया और तीस के साथ अगर हम बीस जोड़ देंगे तो कितना हो गया टोटल पचास तो इसमें कितने होंगे स्क्वायर की संख्या पचास स्क्वायर इसमें होंगे पचास इसमें वर्ग होंगे क्लियर हैं चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें भी आपको स्क्वायर की संख्या निकालनी है वर्गों की संख्या ठीक है तो इसको भी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छः तो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे बाहर से ही ठीक है तो ये हो गए छः ठीक है उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा होगा एक आपको यहाँ से बड़ा नज़र आ रहा होगा ये वाला मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ से बताता हूँ छः तो हो गए एक आपको ये नज़र आ गया होगा यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर ये तो कितना हो गया एक ही हो गया सात हो गया इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ब्लैक से करते ठीक है अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है क्या ये वाला स्क्वायर नहीं है ठीक है क्या ये स्क्वायर नहीं है क्या ये भी नहीं है ठीक है तीन ये हो गए क्या ये नहीं है चार ये हो गए ठीक है क्या ये भी नहीं है पाँच क्या ये वाला छः तो छः ये हो गए हैं ठीक है प्लस सिक्स कर लेते हैं अब आप देखेंगे इन सबको मिला देते हैं एक ग्रीन से ही मिलाता हूँ क्या आप देख पा रहे हैं ये वाला ये बड़ा वाला जो अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा इनका मिला के ठीक है तो ये भी एक हो जाएगा तो कितना हो गया ये वन तो अब इनको सबको काउंट कर लेते हैं कितना हो गया छः दूनी बारह और दो कितने हो गए चौदह तो फोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है दोस्तों तो इस तरीके का भी आपके पास वर्गों से स्क्वायर से क्वेश्चन बनते हैं इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हीं कोई इन्हीं फिगर को ही वो उनमें ऐड करके बना देंगे ठीक है तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट टाइप क्या आता है हमारे पास आयत आयत क्या होता है पहले जान लेते हैं ये समझना ज़रूरी है दोस्तों अगर हम बात करते हैं आयत की आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है ये आप देख पा रहे हैं ये वाली भुजा और ये वाली बराबर होनी चाहिए तो और इसकी और ये वाली सामने बराबर होगी तो हम इसको क्या कह सकते हैं आयत कह सकते हैं इसको ठीक है रेक्टेंगल हम इसको कह सकते हैं अब एक क्वेश्चन बनता है कि सभी वर्ग आयत हैं ये वर्ग था अभी हमने ऊपर डिस्कस करा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसको तो हम वर्ग कहते हैं पर आयत को क्या कहते हैं जिसके आमने सामने की बराबर होती है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या सभी वर्ग आयत हैं ये जो वर्ग हैं ये सारे वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, दोस्तों वो हो जाएगा हाँ बिल्कुल जो सभी वर्ग जो है वो आयत हो जाएंगे जितने भी वर्ग है वो आयत हो जाएंगे कैसे होंगे अगर ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भी तो होंगी होंगी ठीक है तो आमने सामने की हो जाएगी तो उसको हम आयत भी कह सकते हैं क्लियर है तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा अब ये है ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है तो यहां पे आपको बताना है आयत की संख्या ठीक है अब आपको यहाँ पे आयत बताना है तो किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है अगर इसमें स्क्वायर पूछा था वर्गों की संख्या तो आपने ऊपर निकाल दिया था इजीली तो वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इसमें आयत की संख्या निकालेंगे तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे नंबर डाल देंगे इस तरीके से ठीक है थ्री फोर और उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें हम क्या कर रहे थे लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करना था हमने फोर इंटू फोर की बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आयत में ऐसा नहीं करना है आयत में क्या करना है इन सबको जोड़ दो देना है आपस में तो कितना हो जाएगा एक और दो कितना तीन और तीन छः और चार दस तो इनको ऐसे में जोड़ देंगे ये हो गया टेन और इनको नीचे के लिए जोड़ देंगे टू वन और टू थ्री और थ्री थ्री सिक्स और फोर कितने हो गए टेन तो ऐसे हो गए ये टेन ठीक है ये आपको इस तरीके से वर्टिकल और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल यानी कि उर्द्वादर और छैतीस में आपको इनको काउंट करना है तो दस ये हो गया और दस तो इन दोनों की वो मल्टीप्लाई कर देना दस इन टू दस कितने हो सौ तो इसमें कितने आयत हो जाएंगे वो हो जाएंगे सौ आयत हो जाएंगे क्लियर है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे गिना भी सकता हूँ पर मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बेस्ड आपके लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सीधे सीधे आप इस तरीके से ट्रिक्स का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं तो कितने आयत हो जाएंगे इसमें आयतों की संख्या सौ आयत इसमें हो जाएंगे देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे ये है यहाँ पे ये एक स्क्वायर है तो ये भी गिनती में आ जाएगा यानी कि थर्टी तो इसमें क्या आ जाएंगे स्क्वायर है तो वो आयत भी हो जाएंगे थर्टी तो यही हो गया पर इस तरीके से भी होते जैसे ये है ये एक आयत हो जाएगा फिर ये भी एक आयत हो जाएगा ये भी एक आयत हो जाएगा ठीक है फिर इस तरीके से भी एक आयत हो जाएगा फिर ये भी हो जाएगा ठीक है इस तरीके से लंबाई में भी तो इस तरीके से ये हंड्रेड आयत हो जाएंगे क्लियर है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया तो आप कैसे करेंगे सेम कर लेंगे वन टू थ्री और वन टू ऐसे में ठीक है तो टू और वन कितने हो गए थ्री और वन टू थ्री और थ्री सिक्स तो ये हो गया तो छः इन तीन कितने हो जाएंगे अट्ठारह ठीक है इसमें आपको जो ये इनका योग आएगा और इसका जो नीचे के लिए योग आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है अठारह ठीक है आयत में और स्क्वायर में क्या कर रहे थे पहले इसकी इसकी फिर इसकी इसकी और फिर ये वाला इस तरीके से हम कर रहे थे ठीक है आप उम्मीद करता हूँ आपको जो है आयत भी समझ आ गए होंगे अच्छे से अब आप, आ आपका आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है ट्राइंगल ठीक है ट्राइंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रिक्स भी हमें ट्राइंगल की ही देखने को मिलती है तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ और सारे टाइप के यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है इसमें आपको पूछा जाता है इसमें कितने ट्राइंगल है कितने इसमें त्रिभुज है तो आपने क्या करना है इसमें वन टू थ्री अगर ये एक ही पॉइंट से खींचे जा रहे हैं तो आपको इसमें नंबर डाल देना वन टू थ्री और इनको क्या करना है काउंट कर देना है किस तरीके से काउंट करना जैसे ये है वन फिर इसके ये टू को भी कर दिया और फिर इस थ्री को भी इसमें प्लस कर दिया इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो तीन और दो पाँच और एक छः तो छः आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है छः चलो दोस्तों छः कैसे हुई वो भी हम जान लेते हैं आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एक ट्राइंगल तो ये है ठीक है एक फिर इसी से ही क्या बन रहा है दूसरा ये बन रहा है और इसी से ही एक तीसरा ट्राइंगल बन रहा है ये हो गया तीन तो ये जो पहले इसमें हमने तीन लिखे तो यही तीन थे ठीक है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है चार और एक ये बन जाएगा इसमें पाँच ठीक है और एक ये लास्ट इससे बनेगा छः तो इस तरीके से छः ट्राएंगल इसमें हो जाएंगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इसमें देखिए वन टू तो, थ्री फोर आप काउंट करेंगे और इन सबको ऐड करके कितना हो जाएगा चार और तीन सात और दो नौ और एक दस इसमें दस ट्राइंगल हो जाएंगे क्लियर है सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो अगर आप देखें कौन कौन से दस है एक ये हो जाएगा पहला वाला फिर एक ये हो जाएगा दो फिर ऐसे करके ये तीन और ऐसे करके ये चार चार तो ये हो गए फिर इसमें भी आ जाएगा तीसरे वाले में एक तो ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा दो और एक हो जाएगा तीन ये तीन आ गए फिर ऐसे करके इसमें एक और एक ये दो और एक लास्ट में तीन तो इस तरीके से आपके दस ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे आपको ट्रिक समझ आ गई होगी इसकी अब आगे बढ़ते हैं अब इस तरीके से अगर इन्होंने पूछ लिया तो इसमें कितने ट्राएंगल हो जाएंगे तो सिंपल है कुछ भी नहीं है दोस्तों वैसे ही आपको करना है एक दो तीन और चार तो कितने हो जाएंगे चार तीन सात और दो नौ और एक दस दस ट्राइंगल तो ऐसे में हो गए बट अब इसमें एक लाइन मारने से क्या हो जाएगा एक लाइन मारने से आपने इसमें क्या करना है इसमें जित मल्टीप्लाई कर देनी किस से दो से दो से क्यों मल्टीप्लाई करी जितनी ओरिजेंटल लाइन होगी एक और दो ये लाइनें कितनी है? एक दो दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा दस तो नहीं बीस यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल की संख्या है ट्वेंटी हो जाएगा क्लियर है तो जितने हॉरिजेंटल लाइन अगर यहाँ पे तीन लाइन होती तो आप ये चार लाइनें होती तो आपको बताना था ट्राइंगल कितने हो जाते है? तो दस तो ऐसे में हो गए थे और दस के इंटू फोर से करते तो फोर्टी आपका आंसर हो जाता ठीक है तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है देखिए आप यहाँ पे फोर्टी कैसे बनता फिर ऐसे में भी एक ट्राएंगल बनता चार ऐसे में बनते हैं इधर फिर ये भी तो बनता ऊपर के लिए ऐसे करके ये फिर इनमें संख्या इनकी बढ़ जाती फिर यहाँ से बनता ऐसे करके ठीक है तो इस तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपने क्या करना है बेस लाइन को गिनना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको ईजीली कर सकते हैं वैसी अगर आपने हमने बेस कर लिया है बेस का क्वेश्चन कैसे बनता था उसी तरीके का इसमें देखिए इसमें आप कैसे इसको निकालेंगे इसमें कितने ट्राइंगल है सबसे पहला चीज़ आपने वही करना है अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल से लॉजिक बताऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वन टू थ्री जो अभी हमने ऊपर करा ये वाला सिर्फ इस पार्ट को आप देखें ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ऐसे ही तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था तो इसमें देखते हैं कितने हो गए तो थ्री टू कितने होगा फाइव और वन सिक्स तो छः तो इसमें हो गए अब हम इसको भी ले लेते हैं ये वाले पार्ट को ठीक है इसमें भी वन टू थ्री तो सिक्स इसमें भी हो जाएंगे इस वाले पार्ट की बात करते हैं यहाँ वन टू थ्री तो सिक्स इसमें भी हो जाएंगे यहाँ तक, तो तक तो क्लियर हो गया अब बात करते हैं बीच वाले की तो बीच वाले में डाल देते हैं वन और टू तो कितने हो गए वन और टू तो कितने हो गए थ्री थ्री बीच वाले में तो टोटल कितने हो गए छः बारह अट्ठारह और तीन कितने होते हैं ट्वेंटी अट्ठारह है? हाँ ठीक है अट्ठारह तो ये हो गया तो ट्वेंटी तो वन हो गए टोटल ठीक है अब इसमें एक जो बचता है दोस्तों वो आपका बाहर वाला जो बड़ा सा ये है ट्राइंगल लास्ट का ये क्योंकि ये भी हमें देखना पड़ेगा जब दो तीन आपस में ऐसे मिलते हैं तो क्योंकि ये इसकी बात हमने कर दी थी इसमें छः आए थे फिर इसकी बात हमने करी इसमें छ आए थे इसमें हमने देखा इसमें छः आए थे तो अट्ठारह ही हो गए बीच वाले में देखा इस इतने में तो इसमें तीन आए थे तो अट्ठारह तीन इक्कीस पर एक ये भी तो बनेगा सबको जोड़ के बड़ा वाला ठीक है तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना तो कितना हो जाएगा इक्कीस और एक रेक? बाईस ट्वेंटी टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है दोस्तों बहुत सिंपल है और जो पहला हमने समझा उसी बेस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइप का समझते हैं और इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये देखिए इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं ठीक है इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप डायरेक्ट ऐसा करेंगे जैसे आप देखें पहला अगर हम देखें यहाँ से ये वाला ठीक है तो वही जो अभी तक हमने ट्रिक सीखी है तो क्या करेंगे वन टू थ्री फोर कर लेंगे तो क्या करना है इन सबको जोड़ देंगे तो फोर और थ्री कितने होते हैं सेवन टू नाइन और एक टेन तो डस ट्राइंगल तो हो गया ऊपर ठीक है नीचे की बात करते हैं तो एक दो तीन चार तो यहाँ भी कितने बनेंगे दस ठीक है तो दस और दस बीस तो बीस इसका आंसर नहीं है ठीक है ट्वेंटी ही आंसर नहीं है अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी ठीक है तो ट्वेंटी इसका आंसर करके नहीं आना है ऑप्शन में आपको ट्वेंटी जरूर देंगे अब यहाँ पे क्या है नया नया इसमें यह है कि आपको ये भी देखना है कि जब ये ऊपर ही ऊपर का हमने देखा काउंट करके इस इतने में हमें दस ट्राइंगल मिले हैं और इसमें इतने नीचे में हमें दस ट्राइंगल मिले हैं अब हम बात करेंगे जब दोनों दो मिल रहे हैं तो दो से एक नया बनेगा अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से ये वाला आप देखिए ये और ये वाला ठीक है ये तो अब आपको एक नज़र आ गया होगा ये एक नया मिल गया आपको ठीक है क्योंकि दो को मिल बन गया ना तो एक ट्राइंगल ये होगा और एक इसी के अंदर का ये वाला ये ये और ये तो दो तो इस साइड आ गए ठीक है तो दो इस साइड भी आ जाएंगे देखो आप ठीक है ये हो गया वन ये बाहर वाला ऐसा और एक ये हो जाएगा टू तो टू तो इस साइड आ जाएंगे आपके ठीक है तो कितने हो गए ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी प्लस टू कितने हो जाएंगे और ट्वेंटी प्लस टू ये हो गया और प्लस टू ये हो जाएगा तो कितना हो गया बीस दो बाईस दो चौबीस ट्वेंटी फोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस फिगर में ठीक है ट्राइंगल की संख्या कितनी इसमें चौबीस ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें क्लियर है दोस्तों तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसमें इन्होंने क्या कर दिया ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल डाल दिया ठीक है अगर मैं इसी फिगर को यहाँ पे आपको अच्छे से बना के दिखाऊँ तो इन्होंने क्या किया ये ट्राइंगल है फिर इन्होंने इस ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल ऐसे डाल दिया और फिर इसी ट्राइंगल के अंदर इन्होंने एक ट्राइंगल को ऐसे डाल दिया और फिर इन्होंने इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल डाल दिया तो इस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है पर आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेनी है देखो इसको किस तरीके से पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या हो रहा है इसमें दोस्तों एक्चुअल में इसमें हो रहा क्या है अगर हम एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बना के देखें यहाँ पे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया और मैंने कहा ये एक ट्राइंगल कितने ट्राइंगल इसमें अभी एक है अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर दी ये ये मैंने ड्रॉ कर दिया सिर्फ इतना तो अब इसमें ट्राइंगल कितने हो गए दोस्तों इतना आप देख लेना ये मैं खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप ये जो बाहर बन रहा है ना इतनी आप ऐसे मत कर लेना बाहर से भी एक ट्राइंगल गिलने लग जाना ठीक है वो थोड़ा मेरी मैं खुद से इसको ड्रॉ कर रहा हूं ना तो देखिए अब इसमें देखेंगे आप कितना छोटा ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया तो उससे कितना बन रहा है तो बाहर देखेंगे आप तो एक दो और तीन ये हो गया और एक ही अंदर हो जाएगा सॉरी सॉरी यहां पे देखेंगे ध्यान से फिर से अगर आपके पास इस तरीप का क्वेश्चन बनता है और उसी के अंदर इन्होंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो अब आप इतने में पहले देखो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे तो एक तो ये हो गया दूसरा ये हो गया बाहरी बाहर देखेंगे और तीसरा ये हो गया ठीक है <coughs> बाहर सॉरी तीन तो यही हो गया और एक ये पूरा हो जाएगा बाहर का यानी कि चार यानी कि एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल अंदर ड्रॉ करने से चार ट्राइंगल हमें बाहर मिल रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अगर हमने ये वाला ट्राइंगल है बाहर एक हमने ये ड्रॉ कर दिया तो बाहर कितने हो गए चार आ जाएंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सीखा अब इसमें भी इन्होंने एक अंदर ड्रॉ कर दिया तो चार इधर भी आ जाएंगे और इसके अंदर भी एक ड्रॉ कर दिया तो इसमें भी चार आ जाएंगे ठीक है और एक जो ये अंदर वाला बचेगा तो एक ट्राएंगल ये हो जाएगी अंदर वाला क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ट्राइंगल नहीं हो ना तो ये एक हो जाएगा तो इस तरीके से चार चार आठ चार बारह और एक तेरह थर्टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा इसको किस तरीके से काउंट करना है ठीक है तो इसमें कितने हो जाएंगे तेरह ट्राइंगल हो जाएंगे थर्टीन ठीक है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसमें कैसे काउंट करेंगे दोस्तों बहुत सिंपल है इसका एक और सिंपल uh, सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने इसमें क्या करना है खंड गिनने खंड कितने हैं इसमें जैसे कि ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कितने खंड है इसमें खंड बने हुए जो ठीक है खंड गिनने आपने ट्राइंगल नहीं बोला मैंने मैंने बोला खंड गिनने अब आप यहाँ पे देखेंगे ये तो एक ट्राइंगल नहीं है अगर इसके बाद ये तो एक ट्राइंगल नहीं है ना तो इसको गिना है हमने खंड गिनने है ना जितने टुकड़े बने हुए वो गिनने तो टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं चौदह ठीक है 14. तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी ऐसा वाला आपके फिगर आपके सामने आए तो आपको एक फार्मूला याद रखना है टू एक्स माइनस फाइव बस टू एक्स माइनस फाइव आपको याद रखना है इसमें एक्स क्या है एक्स इस खंडों की संख्या है तो कितने खंड आप देखते हैं टू हमने लिख रखा है यहाँ पर फॉर्मूले से एक्स कितना है हमारे पास फोर्टीन इन खंडों की संख्या फोर्टीन और इसमें से पाँच घटा देंगे तो चौदह दोनों अट्ठाईस में से अगर हम पाँच घटा देंगे तो तेईस हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल है तेईस ट्वेंटी थ्री ट्राइंगल है इस फिगर में क्लियर है तो होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं ठीक है चलो अगर हम इसमें इसी को ही थोड़ा मोडरेट करके इस तरीके से बना लेते हैं मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये है और इस तरीके से इन्होंने इसको ड्रॉ किया हुआ है ये हो गया और उसके बाद जो है इसको ऊपर ले लिया और इसको ये अब यहाँ पर ये देख पर अब इसको भी इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और इसको इधर ज्वाइन कर लिया इसमें कितने ट्राइंगल है तो आपने सिंपल सेम करना है नंबर डाल देना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन कितने हैं टो, टोटल सोलह है सोलह खंड है तो फॉर्मूला क्या था टू एक्स टू एक्स माइनस फाइव तो टू एक्स कितना हमारे पास सोलह है तो सोलह दो नहीं बत्तीस बत्तीस में से पाँच घटा दें तो कितना बचेगा सत्ताइस इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे सत्ताईस हो जाएंगे क्लियर है तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है चलिए दोस्तों अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए मतलब कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसी को बना के हैं ये यूज कर लेते हैं ट्राइंगल में दोस्तों अगर इस टाइप अगर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ऐसा अगर इन्होंने एक क्वेश्चन आपके पास बना दिया ये और इसको ऐसे क्रॉस कर दिया आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे और बोल देंगे इसमें कितने ट्राइंगल है भाई ट्राइंगल निकालिए तो इसका बहुत सिंपल तरीका है मैं आपको बता देता हूँ आपको अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिर्फ इतने की अगर मैं बात करूँ और इसमें अगर मैं पूछूँ इसमें कितने ट्राइंगल है भाई तो इसमें आपको देखना है आपने क्या करना है इसमें नंबर डाल देने हैं कितने वन टू थ्री और फोर फोर है ना तो फोर का मल्टीप्लाई टू से कर लो यानी कि डबल कर दो उसका जितने इसमें ये नंबर बनेंगे उसका आप डबल करेंगे तो उतने ट्राइंगल हो जाएंगे तो इसमें कितने हैं आठ ट्राइंगल है तो इसमें भी आठ हो जाएंगे और इसमें भी कितने हो जाएंगे आठ ट्राइंगल हो जाएंगे यानी कि तीनों को मिला के कितने हो जाएंगे चौबीस हो जाएंगे पर चौबीस इसका आंसर नहीं होगा अब यहाँ पे देखेंगे आप अब इन्होंने ज़्यादा इनको इन्हों मर्ज किया है अगर इस सिंगल की बात करते तब तो ठीक है आठ और इस सिंगल की बात करूँ तब तो आठ ठीक है इस सिंगल की बात करूँ तो आठ ठीक है बट इन्होंने जब दो तीन को मर्ज किया है तो यहाँ से ट्राइंगल बढ़ जाते कुछ ट्राइंगल्स क्या होते हैं बढ़ जाते हैं वो कौन से बढ़ जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ये बढ़ जाते हैं देखिए आप जब दो को मर्ज किया गया तो एक ये बढ़ जाएगा आप देख पा रहे होंगे ये ट्राइंगल ये दो में बढ़ जाता है एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ जाता है ठीक है दो ठीक है तो दो इधर भी बढ़ जाएंगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले में एक ये बढ़ जाएगा ये ठीक है और एक यहाँ बढ़ जाएगा ये तो टोटल कितने बढ़ रहे हैं चार बढ़ रहे हैं तो चौबीस प्लस चार कितना हो जाए अट्ठाईस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ रहे हो ट्वेंटी एट इसमें ट्राइंगल की संख्या हो जाएगी अगर हम बात करते हैं इसी टाइप के जिस तरीके का मैंने आपको ये वाला समझाया था इसी में ही अगर ये एक लाइन और मार दे देखिए ये इतने में इसमें कितने ट्राइंगल हो रहे थे चार हो रहे थे तो आपने इसको आठ बता दिया था डबल करना है बट इसी में इन्होंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आपने क्या करना है नंबर डाल दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स है तो छः दो नहीं बारह इसमें कितने ट्राइंगल हैं बारह हो जाएंगे ठीक है अगर इन्होंने क्या कर दिया एक और लाइन ऐसे में ड्रॉ कर दी इसमें तो कितने हो जाएंगे तो आप इसमें डालेंगे वन टू थ्री फोर ही हो जाएगा ये फाइव हो जाएगा सिक्स सेवन एट और ये हो जाएगा नाइन तो इसमें नौ हो जाएंगे यानी कि अट्ठारह ट्राएंगल हो जाएंगे फिर समझ रहे हो तो इस तरीके से आपके पास जो है ऐसे टुकड़ों को किसी भी फिगर में ऊपर में जोड़ सकता है ये नीचे ऐसे दे सकता है ठीक है कैसे बना के तो आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा टुकड़ा आपको कहीं बीच में मिलता है और इसके अंदर ऐसे तो आप इसको डबल करके उसमें ट्राइंगल ऐड कर सकते हैं निकाल सकते हैं वहाँ से क्लियर है चलिए एक लास्ट टाइप का आपको मैं बता देता हूँ और उसके बाद एंड करते हैं इस चैप्टर को ठीक है चलिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आता है दोस्तों वैसे मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो गाइस इस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आप देखेंगे इसको किस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं इसमें पूछेगा इसमें कितने ट्राइंगल हैं तो आप बाहरी बाहर के देखेंगे एक दो तीन चार पाँच तो आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे तो पाँच ट्राइंगल तो ये हो गए ठीक है इसके अलावा अगर आप देखेंगे जितने यहाँ पे पॉइंट बनेंगे जैसे ये एक पॉइंट है तो इससे आपको एक ट्राइंगल देखने को मिल सकता है कौन सा वाला ट्राइंगल बनेगा इससे ये आप देख रहे होंगे ये ठीक है और ये और ये सॉरी ठीक है ये वाला यहाँ से आपको एक पॉइंट से ये ट्राइंगल देखने को मिलेगा अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ से भी आपको एक ट्राइंगल देखने को मिल सकता है कौन सा वाला इससे आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा ये वाला ट्राइंगल ठीक है इससे आपको ये ट्राइंगल मिला यहाँ पे आई एक पॉइंट यहाँ पे है तो इससे आपको कौन सा ट्राइंगल देखने को मिलेगा इससे आपको मिलेगा ये वाला ट्राइंगल ये ये और ये ये वाला ट्राइंगल ठीक है ये वैसे ये पॉइंट है इससे आपको ये और ये वाला मिलेगा देखने को इससे बात करते हो इससे आपको ये ये और ये वाला मिलेगा वैसे आपको ये इससे आपको ये इसका हमने काउंट कर लिया तो कितने पॉइंट हो गए ये पाँच तो पाँच और पाँच तो दस तो दस इसका करेक्ट आंसर तो दस आपको सीधे सीधे याद रखना है ऐसा फिगर आपके सामने आता है तो सीधे याद रख लें इसको टेन करके आ जाए ठीक है अगर इससे ऐसा वाला क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ यही पूछेगा ठीक है इसमें कुछ ऐड नहीं करेगा वो तो टेन इसका आंसर आपको याद रखना है टेन इसका ठीक है चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों और अगर आपको ये आपको वीडियो अच्छा लगा है आपको ये कुछ ट्रिक अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू